एक्सरसाइज 2.23, 23वां क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का। एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेरेड इन अ सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। यानी किसी को 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना है और जहां जिस सर्किट में लगाना है वहां उसको वोल्टेज आ रहे हैं उसके पास 1 किलो वोल्ट, 1000 वोल्ट है। 1000 यानी कैपेसिटर चाहिए 2 माइक्रोफेरेड का और वो कम से कम 1000 किलो वोल्ट, 1000 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तो झेल सके, कम से कम इतना तो पोटेंशियल डिफरेंस वो टॉलरेट कर सके। लेकिन उसके पास क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम। उसके पास है 1 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर, ईच ऑफ विच कैन विदस्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस नॉट मोर देन 400 वोल्टेज। यानी वह एक एक माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर है और हर कैपेसिटर केवल 400 वोल्ट मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है, 400 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस झेल सकता है। इससे ऊपर वोल्टेज पर लगा दिया फट जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन लगाने कहाँ है, 1 किलो वोल्ट, 1000 वोल्ट पर। सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो कम से कम कितने कैपेसिटर और किस तरह से यूज करें वो 1 माइक्रोफेरेड वाले, ताकि उसको एक सारे मिलकर एक 2 माइक्रोफेरेड के एक कैपेसिटर की तरह काम करें और जो कम से कम 1000 वोल्ट को भी टॉलरेट कर जाए। तो यहां आपको आपके पास अवेलेबल कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेरेड ईच और 400 वोल्ट मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है, विदस्टैंड कर सकता है। रिक्वायर्ड क्या है आपको, 2 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर रिक्वायर्ड है जो कम से कम 1000 वोल्ट तो टॉलरेट कर जाए। इससे ऊपर के भी वोल्टेज अगर टॉलरेट कर सकता हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर द नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज 1000 वोल्ट विदस्टैंड करवाने हैं, जिसमें से एक कैपेसिटर 400 वोल्ट होता है, यानी 1000 वोल्ट में से 1000 वोल्ट तीनों कैपेसिटर पर डिवाइड हो जाना चाहिए। तो कम से कम कितने कैपेसिटर, 2.5 कैपेसिटर तो पॉसिबल नहीं है, 3 कैपेसिटर कम से कम आपको लगाने पड़ेंगे। तो 3 कैपेसिटर जब आप लगाएंगे और क्या बनेगा, आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 1000 वोल्ट। तो फिर इसमें से 1000 बाय 3 वोल्ट पहले वाले कैपेसिटर पर डिस्ट्रीब्यूट चला जाएगा, 1000 बाय 3 वोल्ट दूसरे कैपेसिटर पर, 1000 बाय 3 वोल्ट तीन, यानी 333 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तीनों पर। और तीनों ही कितना विदस्टैंड कर सकते हैं, 400 वोल्ट तक विदस्टैंड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, 3 कैपेसिटर की एक सीरीज बनानी पड़ेगी। हेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ वन सीरीज, एक सीरीज की इक्विवेलेंट कैपेसिटी 1/CS इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 कितना हो गया, CS इक्वल्स टू हो गया 1/3 माइक्रोफेरेड। एक सीरीज ये तीनों मिलकर के एक कैपेसिटर की तरह से काम कर रहे हैं। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन का इसका इक्विवेलेंट बना क्या, इसका इक्विवेलेंट बना ऐसा जिसकी कैपेसिटी है 1/3, C = 1/3 माइक्रोफेरेड है और कितना वोल्टेज झेल सकता है, 1200 वोल्ट तक का ये झेल सकता है। तो बढ़िया बात है। अब हमें देखना है, अब हमें कैपेसिटी बढ़ानी है। कैपेसिटी कम हो गई, वोल्टेज तो बढ़ गया हमारे, हर एक कैपेसिटर 400 वोल्ट विदस्टैंड कर सकता था, तीनों मिलकर के 1000 वोल्ट तो बहुत आराम से झेल लेंगे। लेकिन इसमें इस सीरीज कॉम्बिनेशन के लगाने के चक्कर में हमारी कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो अब आपको करना है, लेट एन सच सीरीज आर टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल किसके लिए, टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड तक कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो CP = कितना होता है,
C1 प्लस सी टू प्लस सी थ्री, यानी कि अब सी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी एस प्लस सी एस प्लस सी एस, और कहाँ तक, एन टाइम्स। और कितनी चाहिए आपको कुल मिलाकर के, चाहिए 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू एन इंटू सी एस। ठीक, एन सी एस कितना आपका निकल कर आया, 1/3 है ना माइक्रोफेरेड। तो एन कितना बन गया, अब यहां से एन आपका बन गया 6। माइक्रोफेरेड माइक्रोफेरेड कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 6 हो गया। यानी ऐसे ऐसे 6 सीरीजेज आपस में लगानी पड़ेंगी, 6 सीरीजेज आपस में लगानी पड़ेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल कैपेसिटर हो गए, टोटल कैपेसिटर्स कितना हो गया आपका, क्या टोटल कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटर्स इन 1 सीरीज इनटू नंबर ऑफ सीरीज। एक कैपेसिटर एक सीरीज में कितने हैं, 3 कैपेसिटर हैं, और 6 सीरीज हो गए, 6 18 कैपेसिटर्स यूज करने पड़ेंगे। कैसे यूज करने पड़ेंगे 18 कैपेसिटर, 18 कैपेसिटर्स आपको ऐसे यूज करने पड़ेंगे कि एक आपने बनाई सीरीज 3 कैपेसिटर की, और ऐसी 6 सीरीजेस आपस में आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बना। और सर 3 से ज्यादा क्यों लोगे, सुनो ना, आपको तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर चाहिए। क्वेश्चन में कहा कम से कम यूज करना कैपेसिटर, ऐसे नहीं कि आपके पास 1 माइक्रोफेरेड की रेंज है, ढेर सारे आपके, आपका पूरा संदूक भरा हुआ, आपका पूरा डब्बा भरा हुआ, तो ये नहीं कि आप 100 यूज कर लो, कम से कम यूज करेंगे ना। अगर मान लो 4 आपने लगा दिए सीरीज में, तो फिर कैपेसिटी और भी कम हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी, फिर तो 1/4 रह जाएगी ना एक सीरीज की कैपेसिटी, फिर नंबर ऑफ सीरीज इन पैरेलल ये भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तो बहुत सारे बढ़ जाएंगे। तो बोल लगा लो आप, आपकी मर्जी है अगर आपके पास है ऐसे, लेकिन जब 3 कैपेसिटर लगाकर आपका पर्पज हल हो रहा है, आपका पर्पज हल हो रहा है, तो फिर क्यों लगाओगे आप 3 से ज्यादा एक सीरीज में। तो अब आपका ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर के ये एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा, जिसकी कैपेसिटी ओवरऑल 2 माइक्रोफेरेड है, और जो ओवरऑल कितना पोटेंशियल झेल सकता है, 1200 वोल्ट तक का पोटेंशियल भी झेल सकता है, और चलाना आपको 1000 वोल्ट पर है तो आराम के साथ चल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ, एटलीस्ट 18 कैपेसिटर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, द कॉम्बिनेशन हैव 6 सीरीजेस कनेक्टेड इन पैरेलल, each series having 3 capacitors connected in series, कम से कम 18 capacitor यूज करने पड़ेंगे इस तरह से कि 6 सीरीजेस आपको जोड़नी पड़ेगी पैरेलल में, जिसमें से हर एक सीरीज में 3 capacitor सीरीज में लगे हुए, एक सीरीज ये रही, दूसरी सीरीज ये रही, तीसरी सीरीज ये रही, 6 सीरीजेस आपको जोड़नी पड़ेंगी पैरेलल में, जिसमें से हर एक सीरीज में 3 capacitor सीरीज में लगे हुए।